हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटी सी स्टोरी की। और इस स्टोरी में चार अंधे हैं, उनके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। इस स्टोरी में चार जो अंधे हैं उस गांव में, जिस गांव में वो रहते हैं, उस गांव में बहुत ही ज़्यादा लोगों की मान्यता है कि ये जो चार व्यक्ति हैं इनके पास इतना बढ़िया सिक्स सेंस है, और इनमें जो भाईचारा है या एक दूसरे के साथ ये लोग जो मिलजुल के रहते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी से किसी भी तरह का कोई भी मतभेद या मनभेद नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि लोग जो है इन चारों लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार गांव में क्या हुआ, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो गांव में बहुत सारे लोग आते थे, और छोटे छोटे जैसे मेला हो गया या सर्कस हो गया या कुछ इस तरीके का जो भी आपके गांव में आता था, तो सारे लोग गाँव में एक साथ देखने के लिए जाते थे। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, गाँव में हाथी आया, और हाथी जो है जब गांव में आया तो सारे जो गांव वाले थे वो एक साथ देखने के लिए गए। और ये चार जो मतलब अंधे लोग थे, इन लोगों ने भी बोला कि भाई मेरे को हाथी देखने जाना है, और सारे लोग तो गए, साथ में ये लोग भी गए। लेकिन हुआ क्या, ये लोग चूंकि देख तो नहीं सकते, तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं उनके पास ये होता है कि भाई ये छू के महसूस कर सकते हैं। हुआ क्या, सारे लोग तो देख लिए, ये लोग भी चारों लोग गए और छू के महसूस करने की कोशिश किए। और जब चारों लोग वापस घर पे आए और इन चारों लोगों ने अपने अपने तरीके से उस हाथी की व्याख्यान करना शुरू किए, एक ने बोला भाई हाथी कैसा होता है, तो एक ने बोला भाई ये हाथी तो अजगर जैसा होता है, दूसरे ने बोला कि भाई खंभे जैसा होता है, तीसरे ने बोला भाई जो हाथ वाला पंखा होता है ऐसे जो हिलाते वैसा होता है, और इसी तरीके से या झाड़ू होता है। मतलब चारों लोगों ने अलग अलग व्याख्यान करना शुरू किया, लेकिन ये देखा गया कि चारों लोग जो जिसके साथ एक ही मतलब भाईचारे के साथ ये लोग रहते थे, और किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे चारों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ और चारों लोग लड़ना शुरू किए, और एक समय ऐसा है चारों लोग मरे हुए नज़र आए। रीज़न क्या है, सिर्फ ये कि वो चारों लोग ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि हाथी कैसा होता है। दोस्तों, चारों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि जिसने हाथी का पैर पकड़ा था उसने बोला मैं हाथी खंभे जैसा होता है, जिसने सूंड पकड़ा उसने बोला अजगर जैसा होता है, जिसने कान पकड़ा उसने हाथ जो पंखे जैसा होता है, हाथ वाला पंखे की तरह, जिसने पूंछ पकड़ा उसने झाड़ू बोला। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी एंगल पर हमेशा सही रहता है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि अगर वो चारों अगर ये समझने की कोशिश करते कि हाथी एक्चुअली में कैसा होता है, तो जो व्यक्ति जो दूरदर्शी होता है, जो जिनके पास आंखें होती हैं, उनसे वो देख के समझ सकता था और चारों जिंदा भी रहते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जिस एंगल पे उन्होंने पकड़ा था हाथी के शरीर को, उसी एंगल को प्रूफ करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब हम अक्सर ये देखते हैं कि हम अपनी एंगल पर सही हैं। दोस्तों, जब थोड़ा सा दूरदर्शी हम बनेंगे, जो थोड़ा सा हमसे ज़्यादा जानकार है व्यक्ति, अगर उनसे हम बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि शायद हम कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही तो हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि ऊपर जूम जूम करके अगर आप देखें तो चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं। तो जब जूम करके अपने माइंड को देखेंगे, अपने आप को उस गेम से निकाल के, तो हम अक्सर ये पाएंगे कि यस, इसमें भी बहुत ऐसी चीज़ें जो हमें जानने वाली है। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा लर्निंग हम सभी को जूम एरिया पे लेके आएगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।